गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ इन अ बीम। कि जब भी अपन स्ट्रेंथ इन अ बीम की बात करेंगे तो आपको सामने जो चीज आती है वो सबसे पहले आती है निकल के सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है कि इट इज अ रेशियो इन बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर जो उसकी सेक्शन की डिस्टेंस होती है, जो आपके सेंट्रोइड से डिस्टेंस होती है या बेस से या किसी एक पोजीशन से जहाँ से अपन उसके सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज अ वाई। तो इसके रेशियो को अपन जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन का सेक्शन मॉडुलस। तो जो सेक्शन मॉडुलस होता है वो उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अपन को किसी भी बीम की अगर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है तो हमको उसके सेक्शन मॉडुलस की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि उसकी वैल्यूज में कितना चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि अगर जो मेरी एक बॉडी है लाइक द स्क्वायर सेक्शन है, अगर जो उसकी साइड है वो आपकी टू साइड्स हॉरिजॉन्टल साइड है लाइक दिस, कि ये आपकी फर्स्ट साइड है और दूसरी साइड जो हॉरिजॉन्टल है। दूसरे की बात कर रहे हैं कि स्क्वायर सेक्शन ही है जिसकी आपकी आर्म ए है, पर जो उसकी हॉरिजॉन्टल साइड है वो डायगोनल के क्या है, इट्स हॉरिजॉन्टल डायगोनल्स, मतलब कि जो उसका डायगोनल है वो कैसा है आपका, हॉरिजॉन्टल है। तो इन दिस केस मुझे कंपेयर करना है कि यहाँ पे इन दोनों की स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस होगा। डीआरडीओ में क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसके ऊपर, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये डेरिवेशन कर रहा हूँ। तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि आपको पता है बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है कि एम ओवर आई सिग्मा ओवर वाई और ई ओवर आर भी होता है, पर मुझे इन्हीं चीजों से काम है क्योंकि मुझे यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस बनाना है। तो आपको पता पड़ जाएगा m इज इक्वल सिग्मा इंटू आई ओवर y। तो जो i ओवर y है वो आपके सेक्शन मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m इज इक्वल कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू z। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अगर जो आपका सेक्शन मॉडुलस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मोमेंटम के, तो अगर मैं किसी बॉडी के अंदर बात करूँ कि अगर मुझे उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है तो मैं वहाँ पे उसको बोल सकता हूँ कि जो उसका मोमेंट है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सेक्शन मॉडुलस के। टू बॉडीज की बात कर रहा हूँ तो पहली बॉडीज के लिए मैंने जितने भी डेटाज है वन से रिप्रेजेंट कर लिए, दूसरे के लिए टू से रिप्रेजेंट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एम वन ओवर एम टू इज इक्वल जेड वन ओवर जेड टू। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जेड वन और जेड टू की वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लूंगा। जेड वन मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर है उसके लिए और जेड टू आपका जो डायमंड है उसके लिए। तो जेड वन की वैल्यू की बात कर ले तो जेड वन की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि फॉर स्क्वायर सेक्शन जो आपको पता है कि सेक्शन मॉडुलस क्या होगा आपका आई ओवर वाई, तो वन 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 की फर्स्ट सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि इन दिस केस के अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो साइड्स है वो ए है तो ये भी ए होगी, तो इसका जो सेक्शन मॉडुलस जो सेक्शन सेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा आपका ए बाई टू आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होगा, उसके हाफ पे होगा। और जो इसका आई होगी तो आई की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, बी डी क्यू ओवर 12, तो बी की वैल्यू ए हो गई, डी की वैल्यू ए का क्यू ओवर 12 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ए की पावर 4 ओवर 12 जो आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इन दिस केस दिस इज अ ए की पावर 4 ओवर 12 इंटू ए बाई टू। सो नाउ यू हैव वैल्यू जी वन इज इक्वल टू द ए क्यू ओवर 6। तो यहाँ से मुझे वैल्यू पता पड़ गई, फर्स्ट जी वन की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, ए क्यू ओवर 6। अब अपन बात करेंगे सेकेंड वाली बॉडी की जो कि आपकी डायमंड बॉडी है। तो मैं डायमंड बॉडी को यहाँ पे बना लेता हूँ। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये डायमंड बॉडी जो आपकी है वो दो ट्राइंगल से मिलकर बन रही है, और फर्स्ट वन ट्राइंगल कौन सा है आपका, ये वाला ट्राइंगल है, सेकेंड वन ट्राइंगल ये है आपका। तो मुझे इसके लिए भी Z2 की वैल्यू निकालनी है, तो Z2 की वैल्यू क्या होगी आपकी I2 ओवर Y2, तो I2 ओवर Y2 की वैल्यू मुझे निकालनी है यहाँ पे। तो आपको एक चीज पता है कि अगर इसकी साइड A है तो इसका जो डायगोनल होगा उसकी वैल्यू आपकी ए रूट टू होगी, चाहे मैं उसको इस तरीके से ले लूँ चाहे मैं उसको इस तरीके से ले लूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी यहाँ पे, ए रूट टू। तो अगर मैं बोलूँ कि इसके लिए जो मेरी y की वैल्यू होगी तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे, दिस इज y2, दिस इज अ ए रूट टू बाई टू, मतलब कि ए रूट टू बाई टू, तो रूट टू से नीचे कैंसिल आउट होगा तो कितना निकल के आएगा आपका ए बाई रूट टू। तो अब मुझे क्या करना है कि इसके लिए i2 की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो i2 की वैल्यू क्या होगी कि अगर मैं अपर वाला जो ट्राइंगल है उसके लिए क्या करूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, सेम नीचे वाले के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा, पर दोनों चीज़ सेम है क्योंकि बेस आप देख रहे हो कि जो बेस की वैल्यू वो कितनी है आपके ए रूट टू, और जो आप हाइट की वैल्यू देख रहे हो तो अभी मैंने आपको बता दिया कितनी निकल गया है आपकी ए रूट टू। तो आपको पता है कि अगर मैं ट्राइंगल बॉडी का जो बेस के अराउंड
बेस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो निकाल लेता हूँ तो कितना आता है। तो सभी को पता होगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ट्राइंगुलर बॉडी का, आई इज इक्वल कितना होता है आपका वी एच की ओवर 36, और जो बेस के अराउंड होता है वो कितना होता है आपका आई जी बेस इज इक्वल बी एच क्यू ओवर 12। क्लियर? तो ये आप लोगों को पता है। तो इन दिस केस मेरे पास कितना है यहाँ पे, जेड टू की वैल्यू निकाल लो, आई टू की वैल्यू कितनी है, टू, टू फॉर द टू ट्राइंगल्स दिस और दिस, तो मल्टीप्लाई बी, बी की वैल्यू आप देख लीजिए, बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले मैं लिख लेता हूँ ऐसे ही, बी एच क्यू ओवर 12। ठीक है, वाई की वैल्यू आपको पता ही है, तो सबसे पहले मैं आई निकाल लेता हूँ क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होगा आपको, दिस इज अ टोटल आई टू। सो वी की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, तो बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, नोटिस करो दिस इज लाइक ए रूट टू, तो ए रूट टू हो गया। अब इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है आपके पास देख लो, ए वाई रूट टू, तो ए वाई रूट टू का क्यूब हो जाएगा, तो ए वाई रूट टू का क्यूब ओवर 12। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसके उसको सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए ए यहाँ पर है, ए की यहाँ पर, तो ए की पावर 4 हो गई, तो 2 मेरे पास ऐसे ही है, तो ए की पावर 4 हो गई, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना देखो, दिस इज अ 2, दिस इज अ 2 रूट 2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा आपका, सिर्फ 2 बचेगा ओवर 12, तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या बची, 1 की पावर 4 ओवर 12। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकली आई टू की, वाई टू की वैल्यू आपको पता ही है ऊपर, तो यहाँ से जी टू की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है आपकी, आई टू ओवर वाई टू, ए टू द पावर 4 ओवर 12, और वाई टू की वैल्यू कितनी है मेरे पास ये देख लीजिए, दिस इज अ ए वाई रूट टू, सो नाउ दिस इज अ ए वाई रूट टू, तो यहाँ पे बचा आपका ए क्यूब ओवर रूट टू, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू टू इंटू रूट टू, तो दिस इज रूट टू टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी यहाँ पे ए क्यूब बाई 6 रूट टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो, और जो आपने ऊपर जो पहले निकाली थी जी वन की वैल्यू उसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। तो मुझे क्या है कि आपको एम वन ओवर एम टू की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो मैं वही निकाल रहा हूँ, सो नाउ दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, एम वन ओवर एम टू इज इक्वल जेड वन ओवर जेड टू, तो जेड वन की वैल्यू जो निकली थी वो कितनी निकली थी आपकी, ए क्यू बाई 6, तो ए क्यू बाई 6 निकल गई थी, दूसरी वैल्यू क्या निकली थी आपकी, ए क्यू बाय 6 रूट टू, कितना निकला था आपका, ए क्यू बाई 6 रूट टू, तो आप नोटिस करोगे कि ए क्यू टू ए क्यू कैंसिल आउट एंड 6 टू 6 कैंसिल आउट, सो नाउ एम वन ओवर एम टू इज इक्वल रूट टू, तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि जो आपका मोमेंटम है उसकी जो वैल्यू है वो लगभग 1.414 इट मीन्स रूट टू के रूट टू टाइम्स ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने डेरिवेशन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू।